धरना आंदोलन एवं जल सत्याग्रह का आज पांचवा दिन। ग्राम कडूद कला में पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों द्वारा धरना आंदोलन व जल सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर गांव की समस्या को दूर नहीं कर पाया है। आज धरना आंदोलन और जल सत्याग्रह के पांचवे दिन नायब तहसीलदार नेहा शाह मौके पर पहुंची। नेहा शाह द्वारा ग्रामीणों को अविश्वसनीयता के साथ कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिलाया, जिसे आंदोलनकारियों ने नकार दिया। मौके पर एनपीआरडीसी के अधिकारी आशीष पटेल व रोड के प्रोजेक्ट मैनेजर दुबे जी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रथम दृष्टया मौके का मुआयना करके रोड के दोनों तरफ 3.5 की नाली का निर्माण करने व सड़क पर खुदाई कर डबल पाइप डालने की बात कही, जिसमें आंदोलनकारी कुछ समय के लिए सहमत हुए। लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने की बात दुबे जी द्वारा दो दिन बाद करने पर आंदोलनकारी भड़क गए और आंदोलन को तभी खत्म करेंगे जब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिनके द्वारा समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिलाया, परंतु ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या का हमें स्थायी समाधान चाहिए व कार्य करने का आश्वासन नहीं, हमें समस्या का समाधान चाहिए। नायब तहसीलदार ने हाजी साहब द्वारा महिलाओं को जल सत्याग्रह को खत्म करने का निवेदन किया गया एवं समस्या के समाधान का पूर्णतः विश्वास दिलाया गया, जिससे महिलाओं द्वारा जल सत्याग्रह को खत्म कर दिया गया, परंतु पुरुषों द्वारा जल सत्याग्रह एवं भूख हड़ताल को खत्म नहीं किया गया। पुरुषों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है, तब तक हम जल सत्याग्रह व भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे एवं आंदोलन को जारी रखेंगे। मौके पर पहुंचे अधिकारी मीडिया से अपने आप बचाते रहे। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मीडिया से अब तक बातचीत नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या तीनों विभागों की समस्याएं हैं। कड़ोद इंद्रावन मार्ग पर पानी की निकासी न होने का मुख्य कारण पीडब्ल्यूडी का रोड, एमपीआरडी का रोड एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड का निर्माण पानी की निकासी को अनदेखा कर किया गया, जिसका भुगतान ग्राम वासियों को करना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी अधिकारी या रोड कॉन्ट्रैक्ट स्थिति का मुआयना और स्थिति को समझने को तैयार नहीं है और न ही कार्य करने को तैयार। पानी से भरे क्षेत्र का ट्रैक्टर पर बैठकर नायब तहसीलदार नेहा साहब व पटवारी सचिन जी पाटीदार, रोड ठेकेदार दुबे जी आदि के द्वारा मुआयना किया गया एवं दयनीय स्थिति को करीब से महसूस किया गया कि वास्तविकता ग्रामीण कितनी परेशानियों को उठा रहे हैं। आंदोलनकारियों द्वारा प्रशासन को ढोल नगाड़ों के साथ जगाने की कोशिश की गई, परंतु प्रशासन आज भी कुंभकर्ण की नींद सोया है। स्थिति यह है कि नायब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस प्रशासन आदि अधिकारियों के आने पर भी ग्राम पंचायत सचिव महोदय जी मौके पर नहीं पहुंचे। दोपहर को बारिश आने के उपरांत भी आंदोलनकारियों का जल सत्याग्रह चलता रहा एवं अपनी मांग पर अटल विश्वास के साथ खड़े रहे। मौके पर हल्का पटवारी सचिन जी पाटीदार एवं कानून थाना से सुरेंद्र जी वास्केल एवं समस्त स्टाफ उपस्थित था। धार जिले के कडूद कला से कृष्णा मारू के साथ कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। आश्वासन नहीं दिया जा रहा है आपको, लिखित में चीज दी जा रही है, वो उनसे आप लोगों से कहीं ज्यादा चिंता ना मेरे को इस चीज की। मैंने पूछी थी उनसे कि मैंने उनको बोल दिया है कि अगर आपने इस बार काम नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगी। खड़े मेरे को गारंटी चाहिए। जो होना थी वो तो हो जाती। उस चीज का मुझे खेद है कि हम लोग को आने में चार दिन लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के विभागों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब कोऑर्डिनेशन हो गया है मैडम, आप तो हमारे फेवर के हैं। अब जब कोऑर्डिनेशन हो गया है तो थोड़ा सा सहयोग आप लोग कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो पूरा सहयोग कर ही रहे हैं। हम तो बहुत कर रहे हैं, 3 साल से भुगत रहे हैं, उसके बाद भी हमने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। अभी ज्यादा हो गया, पानी सिर से ऊपर जा रहा है, पानी सिर से ऊपर जा रहा है, लेटर तो नहीं थोड़ा करना पड़ा, तो देना लग रहा है कि मेरे को आने में 3 दिन लग गया। उसका रीजन आपको बता दूं, मैं यहां यदि आया 3 साल लग गए, तो मुझे कोई डिसीजन लेके तो आना पड़ेगा। मुझे डिसीजन मेरे पास पहली बार आया आपने, मेरे बड़ी मैं आ जाता तुरंत आ जाऊं, लेकिन उसमें रीजन है आने से यदि आपका काम बनता। मेरे पास चीफ इंजीनियर मेरा था, आपका फोन।